दिन पर दिन मुरलीधर कन्हैया का सितारा चंद होता चला जा रहा है और भोजराज कंस का सितारा मंद होता चला जा रहा है। देवता निराश हैं, कन्हैया रास रचा रहे हैं गोपियों के साथ में, देवता निराश, देवता विचार कर रहे हैं, हमें लगता है कन्हैया चीरे चुराते रह जाएंगे, रास रचाते रह जाएंगे, कंस तक पहुंचेंगे ही नहीं है, बड़ा समय हो रहा है, कुछ ऐसा किया जाए जिससे जल्दी कन्हैया आवे मथुरा, ये कंस मरे हम सबका कल्याण हो। तो हुआ क्या भाई, देवताओं की प्रेरणा से नर द्वारा नारायण नारायण करके चले हैं मथुरा की ओर, मथुरा की ओर भोजराज कंस दरबार में बैठा है, भोजराज कंस दरबार में बैठा है, इसी बीच में नारद बाबा नारायण नारायण करके कंस के दरबार में पहुंचे। जो कंस ने देखा ईश्वर का पदार्पण हो रहा है तो उठे हैं सिंहासन से, नारद बाबा को प्रणाम किए हैं, नारद बाबा को आसन पर बैठाए हैं। नारद बाबा अपना जादू शुरू किए, अपना जादू शुरू किए नारद बाबा। नारद बाबा ने कहा, अरे भाई तुम तो बहुत टूट गए हो, क्या चक्कर है, तुम बराबर टूटते चले जा रहे हो, इससे तुम तो पहली बार तुमसे मिले थे तब तुम ठीक ठाक थे, आज हम देख रहे हैं तुम्हारे शरीर में कुछ रहा ही नहीं, अरे तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास में बहुत सारी सेना है, बहुत सारा धन है, भैया किसी बैरी का भय है तो सेना है, धावा बोल दो हरा दो उसे, यदि कोई अंदर से रोग है मर जाए तो दवा करा डालो, धन भी तुम्हारे पास बहुत है, जाने क्या करते हो इतना टूटते चले गए। कंस ने कहा, ऋषिवर काल है वो, मेरा काल है, मैंने अपने काल को समाप्त करने के लिए न जाने कितने उपाय किए, हर उपाय मेरा निरर्थक रहा, हर उपाय निरर्थक रहा, न जाने मैंने कितने वीर भेज दिए कि भाई नंद के छोरे को मार के आओ, जो गया उसे मारने वहां से वापस नहीं आया, वो वहां से वापस नहीं आया इंदा, किसी ने आके हमसे नहीं बताया कन्हैया गोरा है, काला है, छोटा है, मोटा है, कैसा है, आपने भी संकेत किया था कि भाई कालिदास से कमल के पुष्प मंगवाओ, कालिया के विष से इत जाएगा कालिदास से कमल पुष्प लेने मर जाएगा वहीं, और जब कमल के पुष्प तुमको न मिल पाऊं तो सारे यादवों को जेल में डलवा देना, सारे वृंदावन वासियों को जेल में डलवा देना, जब उसे तुम्हारे घर आ जाए। भाई परमावली श्रीमपाल भैया जी की ओर से गले में पुष्पहार समर्पित किया गया है, परमात्मा से विनय करेंगे, अरे दीनानाथ भैया के जीवन में सुख शांति बनी रहे, भैया को जीवन में इस लाखों पुष्पों के हार प्राप्त हों, कहना चाहूंगा कुछ पंक्तियों में भाई, और साथ में ये पांच वस्त्र भी भैया जी द्वारा हमें भाई भेंट में दिए गए हैं, परमात्मा सुख शांति दे। कहना चाहूंगा इस धर्म मंच की ओर से, अरे सुरेंद्र पाल भाई या रखे, सुरेंद्र पाल भाई या रखे सभा में मेरा सम्मान, सभा बीच किए मेरा सम्मान।
अर्जी प्रभु से है मेरी, अर्जी दाता से मेरी, करिएगा कल्याण। अर्जी दाता से मेरी, भैया का करना कल्याण। एक हार के कई मिले, एक हार के कई मिले, रहे जहां में मान भैया का भगवान की। कंस ने कहा, भाई उस नंद ने कमल के पुष्प भी हमारे पास भिजवा दिए, अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने काल को हम कैसे समाप्त करें, अपने काल को हम कैसे समाप्त करें। नारद ने कहा, उससे क्या बताएं, तुम तो भाई अपनों द्वारा ठगे गए, तुम्हें तो अपनों ने ही लूट लिया। यदि अपनों ने तुम्हें न लूटा होता तो आज तुम्हारा एक काल जिंदा न होता, तो तुम्हारा एक काल जिंदा ना होता। कंस ने कहा, ऋषिवर आप क्या कह रहे हैं, आपकी बात कुछ हम समझ नहीं पा रहे हैं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। नारद ने कहा, शायद तुम्हें नहीं पता है, शायद तुम्हें नहीं पता है, सुनो हम तुम्हें बता रहे हैं, सुनो हम तुम्हें बता रहे हैं। जो सातवें गर्भ के गिरने की तुम्हें सूचना दी गई थी, देवकी का वो सातवां गर्भ नष्ट नहीं हुआ था, वो देवकी का सातवां गर्भ नष्ट नहीं हुआ था। सातवें गर्भ के गिरने में सारा माया का काम हुआ है, गर्भ पात का नाम मगर उस जगह प्रकट बलराम हुआ। उस सातवें गर्भ से रोहिणी के द्वारा बलराम का जन्म हुआ, क्योंकि माया ने देवकी के सातवें अंश को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। और सुनो, जो तुम्हें आठवीं संतान के रूप में कन्या दिखाई गई, ये तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया गया। जिसे तुम अपना बहन भानोई मानते चले आ रहे हो, तुम्हारे उसी बहन भानोई ने तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। वो जो नंद का छोरा है, वो नंद का छोरा नहीं, वो तुम्हारे बहन की आठवीं संतान है। तुम्हारे भानोई ने रात ही रात अपनी आठवीं संतान बाबा नंद के यहाँ पहुंचा दी थी। यशोदा की जो कन्या हुई थी, उस कन्या को लाके तुम्हें तुम्हारे भानोई साहब ने दिखाया। बताओ, इतना बड़ा धोखा, तुम तो अपनों द्वारा ठगे गए। यदि तुम्हारे बहन भानोई ने तुम्हारे साथ में इतना बड़ा धोखा न किया होता, यदि ये तुम्हारा काल पैदा होते ही तुम्हें मिल गया होता, तुम्हें क्या था, चुटकी में मसल देते, ये तो कब का मर गया होता। लेकिन क्या बताएं भाई, तुम्हें तो अपनों ने ही लूट लिया। जो ये नारद की बात सुननी है, कंस ने, कंस गुस्सा हुआ है, कंस ने देवकी और वसुदेव को तुरंत दरबार में बुलाया। देवकी और वसुदेव भाई कंस के दरबार में पहुंचे, और जो कंस के दरबार में देवकी और वसुदेव आए, तो निकाली है भोजराज कंस ने म्यान की तलवार, ललकार के कहने लगा है, नीच कहीं के तू मेरा भानोई है, तू मेरा भानोई है। अरे वसुदेव छली, अरे तू ही हित का कम भरता था। Oh, oh, oh.
छली वसुदेव छली तू ही हित का दम भरता था। अरे रे कपटी तू कहोई है कमीने, तू मेरा बनोई है। अरे रे कपटी तू कहोई है, क्या तू ही मेरे घर का था। पैरी के पालन करता बस खत्म जिंदगी तेरी है। पूंछ का नगारा बजने में ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं तो एक घड़ी की देरी है। ये कह के चुकंस देवकी और वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। नारद जी बीच में आ गए, कहा ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ, इनको मार के तुम्हें क्या मिलेगा। यदि इन दोनों को मार भी तुम लोगे तो तुम्हारा काल तो नहीं समाप्त हो जाएगा। ये तुम्हें मारना है तो अपने काल के बारे में सोचो, उसे कैसे मारा जाए। अरे इनके लिए तो इतना ही बहुत है, इनको फिर से जेल में डलवा दो, बस इनके लिए इतने दंड बहुत, छोड़ दो इन्हें। इनको मारने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं, इनको मारने से तुम्हारा काल नहीं समाप्त हो जाएगा। नारद के कहने से कंस ने देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया है और भाई फिर से देवकी और वसुदेव को जेल में पहुंचा दिया। बेचारे देवकी वसुदेव फिर से जेल में पहुंच गए, फिर से जेल में पहुंच गए। नारद ने कहा बैठो, तुम तो बहुत जल्दी उलझ जाते हो, दिमाग ही नहीं लगा पाए। ये थोड़ा दिमाग लगा गए होते तो तुम्हारा काल अब का, वो तो कब का मर गया होता। क्या कहते चले जा रहे हैं, आखिर क्या कहना चाहते हैं। हमने क्या नहीं किया, अपने को अपने काल को समाप्त करने के लिए हमने किया क्या नहीं। नारद ने कहा किया तुमने बहुत कुछ, किया तुमने बहुत कुछ, लेकिन दिमाग नहीं लगाया तुम। सुनो हम तुम्हें बता रहे हैं, करना या न करना तुम्हारी मर्जी। नारद ने कहा हम तुम्हें बता रहे हैं, देखो अपने यहाँ ये उत्सव मनाओ, अपने यहाँ एक उत्सव मनाओ और उस उत्सव में जो भी वृंदावनवासी हैं सबको बुलवाओ, विशेष तौर से कन्हैया बलराम को अपने यहाँ तुम जरूर बुलवाओ। और जब तुम्हारे यहाँ ऐसा निमंत्रण में आ जाए, जब तुम्हारे यहाँ ये सब आ जाए तब तुम्हें क्या, तुम्हारे पास में इतनी सेना है, इतनी सेना है, फिर आप ही कहो तो आप खुद सामर्थ्यवान हैं। तो छोकरे में कितनी ताकत, जब वो तुम्हारे घर आ जाएगा इतनी तुम्हारे पास सेना है, आप खुद सामर्थ्यवान हैं, मिलजुल के उसके गले को दबा देना, काम उसका हो जाएगा, मर जाएगा। जाने कहा दिमाग रखते हो। नारद जी अपना काम किए, कंस पर भोज चढ़ा दी, नारायण नारायण करके नारद जी तो निकल लिए। नारद जी निकल लिए, कंस वही करता है जो नारद जी संकेत देके दे। कंस ने एक पत्र तैयार करवाया है, कंस ने एक पत्र तैयार करवाया पत्र तैयार हो रहा है। क्या लिखाता है पत्र में कंस? अरे लिखाता पत्र है राजा, लिखाता पत्र है राजा, अरे तनिको नहीं लजाता, लिखाता पत्र है राजा। पत्र है राजा, लिखाता पत्र है राजा, तनिको नहीं लजाता, लिखाता पत्र है राजा। अरे तनिको नहीं
तुरंत सिद्धि थी को कार्तिक महीने के किस पक्ष की चतुर्दशी को अरे निज घर उत्सव साजा लिखाता पत्र है राजा अरे निज घर उत्सव का अनुष्ठान करता है बुला किसे रहा है अरे कृष्ण और बलराम का बुलावई कृष्ण और बलराम का बुलावई अरे बलराम का बुलावई बलराम का बुलावई साथ में अरे साथ में सारा समाज लिखाता पत्र है राजा अरे संग में आगे समाज लिखाता पत्र है राजा पत्र तैयार हुआ पत्र तैयार हुआ अक्रूर को बुलवाया है उसने अक्रूर को बुलवाया भाई अक्रूर पहुंचे कंस के दरबार में अक्रूर पहुंचे अक्रूर ने पहुंच के कहा महाराज क्या आदेश है हमारे लिए क्यों याद किए हो कंस ने कहा देखो ये पत्र है ये पत्र है ये पत्र तुम्हें वृंदावन पहुंचाना है बाबा नंद के पास में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम अपने सुर पूजन का अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें भाई सब वृंदावन वनवासियों को हमने आमंत्रित किया है और एक बात कान के सुन लो एक बात कान खोल के सुन लो तुम्हें हम इसलिए विशेष तौर से भेज रहे हैं कि भाई तुम जाओ कन्हैया बलराम को तुम्हें अपने साथ में लेके आना है पैदल नहीं जाओगे कन्हैया बलराम को लाने के लिए हम तुम्हें रथ दे रहे हैं रथ को लेके जाओ कन्हैया बलराम को साथ में लेके आना बेचारे अक्रूर मना नहीं कर पाए राजा का आदेश अक्रूर मना नहीं कर पाए पत्र ले लेते हैं चल पड़े हैं पत्र को लेके वृंदावन की धरती की ओर चले जा रहे अक्रूर बहुत निराश है पश्चाताप कर रहे हैं ऊपर वाले ये जाने नीच कन्हैया बलराम को अपने घर बुला के क्या करना चाहता है ऐसा ना हो मेरे द्वारा कन्हैया बलराम का कहीं अहित हो जाए जो हम अपने को जीवन में क्षमा न कर पाए बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं बहुत पश्चाताप कर रहे हैं अरे चाचा पछी ताई मुझ साया भागा न कोई चाचा पछी अरे चाचा पछी ताई मुझ साया भागा
अरे हे बिघना हूँ कौन से पथ पर कौन से पथ पर हे बिघना चले जा रहे हैं लेकिन चला नहीं जा रहा है। असमंजस में इस तरह पड़े हुए अक्रूर गए प्रात से सांझ तक डेढ़ कोस सुबह के चले शाम में पहुंच रहे हैं वृंदावन के पास। दूरी ज्यादा थोड़ा थी, सिर्फ डेढ़ कोस की दूरी थी, डेढ़ कोस की शाम हो गई। वृंदावन पहुंचते पहुंचते अक्रूर को जिसमें वृंदावन के निकट पहुंचे, गोधूली का समय है, कन्हैया और बलराम गौओं के पीछे चले आ रहे थे। और जो कन्हैया बलराम की जोड़ी अक्रूर ने देखी तो भूल गए अक्रूर अपने को, हम इनके चाचा हैं। रथ से कूद पड़े, रथ तद चरणों में पड़े, प्रेम विवश मतिधीर निपट गए अक्रूर से भक्तवत्स। भाई मुरलीधर कन्हैया ने चाचा को हृदय से लगा लिया है। मुरलीधर कन्हैया ने कहा, चाचा आप निराश नजर आ रहे हैं, सब कुशल है ना, सब कुशल है? अक्रूर ने कहा, कन्हैया सब ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, आपके दर्शन हो गए, धन्य हो गए। ज्यादा कुछ चर्चा हो पाती तब तक बाबा नंद भाई वहीं पर पहुंच गए। जो बाबा नंद ने अक्रूर को देखा और जो भाई अक्रूर ने बाबा नंद को देखा, दोनों लोगों की आंखों में आंसू झलक आए। और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए ऐसा बढ़े हैं और दोनों एक पास होकर ऐसा मिले हैं। भाई जिस तरह से भाई को कर्ण से मिलना चाहिए वही भाव दिखाई पड़ा है अक्रूर और बाबा नंद के बीच में। मिले कैसे? अरे कंठ से कंठ, बाह से बाह, देह से देह लपटाई है। इसे कहते हैं भाईपन। अरे हे भाई ये भाईपन है, वे दोनों भाई भाई है। बाबा नंद अक्रूर से कहने लगे हैं, भैया न जाने तुम्हारे लिए मैंने कितनी चिट्ठियां भेजी, आपको समय नहीं मिल पाया। जो एक बार आगे अपने बड़े भैया से मिल गए होते, न जाने कितनी चिट्ठियां तुम्हारे भाभी ने तुम्हारे लिए भेजी, आपको समय नहीं मिल पाया। जो एक बार अपने भाभी से आके मिल गए होते। अक्रूर ने कहा,
बड़े भैया आप तो जानते हैं, आप तो जानते हैं, यादें आप सबके हमें बहुत आती रही, बहुत आती रही, पत्र भी मिलते रहे आप सबके, लेकिन क्या करें, लेकिन क्या करें, मजबूर थे हम। कंस के दरबार में इतना काम रहता है हमारे लिए, इतना काम रहता है, सारा समय मेरा कंस की सेवा में जाता है। शायद तुम्हें पता नहीं, शायद तुम्हें पता नहीं, आज भी हम यहाँ आने वाले नहीं थे, आज भी हम यहाँ आने वाले नहीं थे, आप सबके दर्शन हो रहे हैं, ये भी मेहरबानी कंस की ही है। बाबा नंद ने कहा अच्छा छोड़ो भैया, अन्य बातें घर पर, चलिए घर चलिए। बाबा नंद अक्रूर को घर ले गए हैं, यशोदा मैया के दर्शन हुए, भाई अक्रूर ने यशोदा मैया को प्रणाम किया है, यशोदा मैया ने अक्रूर को आशीर्वाद दिया, कहा भैया बड़े दिनों में दर्शन हो रहे हैं, न जाने कितनी चिट्ठियां मैंने आपके लिए दी, आप भूल गए अपनी भाभी को, इतना समय नहीं पाया जो आकर के एक बार मिल गए होते। अक्रूर ने कहा भाभी शायद आपको मेरी कहानी पता नहीं है, बैठ गए सबके सब एक पास, अक्रूर की चर्चा शुरू है, कहने लगे शायद आपको मेरी कहानी पता नहीं है, आज भी नहीं आने वाले थे, एक कंस की ही मेहरबानी है जो आप सबके दर्शन हो रहे हैं। बाबा नंद ने कहा भैया कंस की मेहरबानी, कंस ने आपको हम सबसे मिलने के लिए भेजा। अक्रूर ने कहा भैया मिलने के लिए नहीं भेजा उसने मेरे को, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उसने अपने आसन पूजन का अनुष्ठान किया है, उस अनुष्ठान में सारे वृंदावन वासियों को उसने पत्र के माध्यम से अपने यहाँ आमंत्रित किया है, हमको रथ लेके तुम्हारे पास में इसलिए भेजा कि भाई रथ पे कन्हैया बलराम को तुम अपने साथ में बिठा के लाओगे, ये देखो पत्र है, ये पत्र है, ये पैगाम है हमसे, उसने कहा कि भाई कन्हैया बलराम को साथ में लेके आना है तुम्हें, यदि ये पत्र वो न भेजते, इस पत्र को लेके यदि हमें यहाँ ना आना होता तो हम कहाँ आने वाले थे, आज भी हमारे पास समय नहीं होता। बाबा नंद ने कहा भैया ये जाने कंस क्या करना चाहता है, जब से मैंने कन्हैया को पाया है आए दिन कोई न कोई उपद्रव होता चला आ रहा है कंस का हमारे नगर पर, हमारे घर पर, जाने वो कन्हैया बलराम को अपने क्यों बुलवा रहा है। देखो भैया भाई आपका पत्र हमें स्वीकार है, आपके राजा का निमंत्रण हमें स्वीकार है, हम सब चलेंगे मथुरा, हम सब चलेंगे, लेकिन कन्हैया बलराम को हम मथुरा नहीं ले जाएंगे। अक्रूर ने कहा भैया ये आपकी इच्छा, ये आपकी इच्छा, जो मेरे से राजा ने कहा मैंने आपको सुना दिया, अब आप मेरे साथ में कन्हैया बलराम को भेजें।